न्यू ईयर ईव। देखते ही देखते ये साल भी खत्म होने को आया और नए साल के आने की खुशी हर तरफ दिखाई दे रही थी। हर कोई नए साल का स्वागत अपने अलग अंदाज में करने की तैयारी कर रहा था। मम्मी शाम में काफी यमी मिठाइयां और नमकीन बनाना चाहती थी। वहीं पापा फोन पर अपने ऑफिस कलीग से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के प्लान डिस्कस कर रहे थे। न्यू ईयर पार्टी गुप्ता जी के यहाँ? अरे ठीक है यार, मैं 6 बजे तुम्हें पिक कर लूंगा। सारे लोग नया साल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इनको बाहर पार्टी करने का मन हो रहा है। चिंकी सुबह से ही अपने फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट बना रही थी क्योंकि उसने शाम को फ्रेंड्स को घर पर कैरियोकी की पार्टी के लिए बुलाया था। ये सब सॉन्ग्स गाने में तो बहुत मजा आएगा। अब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट बना लेती हूँ। जहाँ पापा मम्मी और चिंकी नए साल की तैयारियों में लगे थे, वहीं गट्टू आराम से अभी तक सोया हुआ था। ये देखकर मम्मी जो पहले से ही गुस्सा थी, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। गट्टू, ये कोई सोने का वक्त है, इतनी लेट तक सोए रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मम्मी की डांट खाकर गट्टू हड़बड़ी में उठ जाता है। इससे पहले कि मम्मी और ज्यादा गुस्सा करती, दादी माँ गट्टू को बचाने आ जाती हैं। अरे आज तो छुट्टी का दिन है, ऐसे मत डांटो बच्चों को। सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गट्टू, तुमने सुना नहीं? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या दादी माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। तभी चिंकी अपनी डायरी लेकर मम्मी के पास आती है और पूछती है, मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट बनाई है, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? अरे ये क्या है चिंकी, मुझे भी दिखाओ। ये मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट है, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं नए साल में करने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कि स्कूल में बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी जीतना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और पिज्जा या बर्गर जैसी चीजें मंथ में सिर्फ एक बार खाना। इस तरह रेजोल्यूशंस बनाने से कुछ नहीं होता। न्यू ईयर होता है सेलिब्रेट करने के लिए, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए, तुम्हारी तरह ये बोरिंग रेजोल्यूशंस बनाने के लिए नहीं। गट्टू, खुद रेजोल्यूशंस नहीं ले सकते तो कम से कम इस तरह चिंकी को डिस्करेज मत करो। मैंने तो ऑलरेडी न्यू ईयर का प्लान बना लिया है। कल सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग ट्रिप पे जा रहा हूँ, अभी पहले अपनी साइकिल में हवा भरवा लेता हूँ। सुनो, साइकिल रिपेयर शॉप से वापस आते हुए ये सब सामान लेते आना, शाम को स्पेशल डिशेस बनाने के लिए ये सब सामान बहुत जरूरी है। तुम्हारे पापा तो बाहर ही पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ। अरे इतना गुस्सा मत करो श्रीमती जी, मैं बस सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने जा रहा हूँ, बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा और न्यू ईयर तुम सबके साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। ये सुनकर मम्मी काफी खुश हो जाती हैं। गट्टू सारे सामान की लिस्ट और अपना साइकिल लेकर घर से निकल पड़ता है। घर पर चिंकी न्यू ईयर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने कैरियोकी पार्टी प्लान की थी, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाया और अब एक और शानदार आइडिया उसके मन में चल रहा था। चिंकी ने साल भर के सारे इंपॉर्टेंट और यादगार मोमेंट वाले पिक्चर्स अपने लैपटॉप के एक फोल्डर में अरेंज किए। गट्टू का बर्थडे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, दिवाली और होली के सेलिब्रेशंस, चिंकी का स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीतना, जन्माष्टमी पे दादी माँ का कृष्णा जी के लिए झूला बनाना, चिंकी ने इन सारे मोमेंट्स के पिक्चर का एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल कॉलाज तैयार किया और ये शाम की पार्टी का सरप्राइज पैकेज था। वहीं गट्टू मार्केट से अपनी साइकिल रिपेयर करवा के और मम्मी की लिस्ट का सारा सामान लेके वापस आ रहा होता है कि रास्ते में उसे हरी मिलता है। अरे गट्टू, आज रात न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए तैयार हो ना। मैं तो अभी साइकिल ट्रिप की तैयारी कर रहा था। साइकिल ट्रिप तो कल सुबह 7 बजे है, लेकिन न्यू ईयर तो आज रात 12 बजे आ रहा है ना। फिर क्या प्लान है? रात 11:50 में ही हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और एग्जैक्ट 12 बजे हम पटाखे चला के न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं भी अपने क्रैकर्स लेकर आ जाऊंगा। गट्टू जब घर आया तो देखा कि चिंकी शाम की पार्टी के लिए ड्राइंग रूम को सजा रही थी। गट्टू ने भी चिंकी के साथ मिलकर रूम की सफाई की और डेकोरेशन में हेल्प करने लगा। अरे गट्टू, तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो ना कैरियोके पार्टी में। ओ हाँ,
साइकिलिंग ट्रिप के कारण मैं तो उनको शाम की पार्टी में बुलाना भूल ही गया। अभी उनको मैसेज करता हूँ। गट्टू ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल और मैसेज करके कैरियोकी पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, नया साल और करीब आ रहा था। शाम 6 बजते ही घर पर चिंकी और गट्टू के दोस्त आने लगे। गुड्डी ने बहुत ही प्यारा सा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ था और हरी तो ढेर सारे गुब्बारे ले आया था। अरे वाह गुड्डी, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी मम्मी किचन से एक ट्रे में शरबत, नमकीन एवं मिठाइयाँ ले आई। सारे बच्चे यमी केक्स, फ्रेंच फ्राइज, चीज पकौड़े वगैरह खा के बहुत खुश हुए। आंटी, ये सब तो बहुत ही यमी है। थैंक यू बेटा, पहले तुम लोग ये नमकीन और मिठाइयाँ एंजॉय करो, फिर हम तुम लोगों का गाना एंजॉय करेंगे। हाँ, अब कैरियोके शुरू करते हैं। गट्टू ने कैरियोके का सिस्टम टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। वहीं मम्मी और दादी माँ सोफे पर बैठ गई। अब बारी बारी से चिंकी, गुड्डी और हरी ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स गाए। कैरियोके म्यूजिक के साथ गाते हुए बच्चों को बहुत मजा आ रहा था और मम्मी और दादी भी खूब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में पापा भी अपने ऑफिस कलीग्स वाली पार्टी से लौट कर घर आ जाते हैं और मम्मी पापा ने साथ मिलकर कैरियोके पर एक डुएट सॉन्ग गाया। गट्टू को गाने से ज्यादा अच्छा डांस करना लगता था और फिर उसने ऋतिक रोशन के एक सुपर हिट सॉन्ग्स पे जबरदस्त डांस करके सबको दिखाया। नए साल की पार्टी पूरे धूमधाम से चल रही थी और उसमें चार चांद लगाने चिंकी ने अपना फोटो कॉलाज प्ले किया। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर सबने बीते हुए साल का सबसे यादगार मोमेंट को फिर से देखा और चिंकी के क्रिएटिविटी की सबने बहुत तारीफ की। अरे वाह चिंकी, ये फोटो कॉलाज का आइडिया तो सबसे ज्यादा अमेजिंग था। चिंकी ने सुबह से ही न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी और सबकी तारीफ सुन के उसे बेहद खुशी मिली। जैसे ही घड़ी में 11:50 का टाइम हुआ, सारे लोग घर से निकल के सोसाइटी कंपाउंड में आ जाते हैं। वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेहता अंकल, सलीम चाचा, हरविंदर जी और उनकी फैमिली। बहुत ही अच्छा माहौल था। एग्जैक्ट 12 बजे सभी बच्चों ने रॉकेट्स और फुलझड़ियां जलाई और सबने जोर से बोला, हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग एक दूसरे को गले लग के नए साल की शुभकामनाएं देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे नए साल ने सब में नया जोश और उमंग भर दिया था। और इस तरह फुल सेलिब्रेशन के साथ नए साल का स्वागत करने के बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट गए और गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह गट्टू की जब आंखें खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने शॉक दिया हो। गट्टू एकदम से बेड से उतर के अपने फोन चेक करने लगा। उसमें उसके फ्रेंड्स के ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस थे जो उन्होंने सुबह 7 बजे भेजा था साइकिलिंग ट्रिप पे गट्टू को बुलाने के लिए। पर लेट तक सोने की आदत के कारण गट्टू को किसी भी रिंग का पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ गट्टू, इस तरह उदास क्यों दिख रहे हो? मेरी साइकिलिंग ट्रिप मिस हो गई दादी माँ, मैं सोया रह गया और वो सब चले गए। कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट साल के पहले ही दिन तुम्हें ये सीख तो मिली कि लेट तक सोने की आदत से हमारा काफी नुकसान होता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो कि इस साल में रोज सुबह जल्दी उठा करूँगा। गट्टू को भी एहसास हो गया था कि उसने चिंकी के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का मजाक उड़ा के गलती की थी। उसने चिंकी से दिल से सॉरी बोला। आई एम सॉरी चिंकी, मैं समझ गया हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन से हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने को एक मोटिवेशन मिलता है। चलो अच्छा हुआ गट्टू ने इम्पोर्टेंट लेसन साल के पहले दिन सीख लिया। और गट्टू बेटा, साइकिलिंग ट्रिप मिस होने से सैड होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिटी के बाहर लेक के पास एक खूबसूरत सी कैंपिंग साइट पर एक स्लॉट बुक किया है। 1 जनवरी को हम पूरी फैमिली के साथ में कैंपिंग और पिकनिक करेंगे। ये सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। मम्मी भी पापा के इस सरप्राइज अनाउंसमेंट से बहुत खुश हो जाती हैं और फिर सारे लोग एक साथ बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।